पिक्चर को स्वाइप अप करके नीचे जो पिक्चर की डिटेल होती है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पिक्चर है ये किस कैमरे ने ली है। ये मेन कैमरे की तरफ से है, टेलीफोटो की तरफ से है या अल्ट्रा वाइड की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। तो एक पॉइंट जो हम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हैं या नया फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपके माइंड में होता है कि जी नए वाले फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा आज के दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप चाहे सेल्फीज़ लेते हैं या पोर्ट्रेट में फ़ोटोज़ लेते हैं या वीडियोग्राफी का शौक़ है आपको या आपको मैक्रोग्राफी का शौक़ है, तो आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का जो कैमरा है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक जो चीज़ होती है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप लोगों को नहीं पता होता कि जब आप आईफोन में या आप यहाँ पे एंड्रॉयड यूज़र की भी बात करें कि जब आप प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स में आप डिसाइड करते हैं फ़ोन लेना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपसे एक नेगलिजेंस हो जाती है, थोड़ा सा आपसे वो डिसीजन जो होता है वो मेरे एंड पे मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपने बहुत ही गौर से सुनना है। आप जब भी फ़ोन लेते हैं तो आपको पता है कि आप या तो प्रो मॉडल्स लेते हैं या नॉन प्रो मॉडल्स लेते हैं, और प्रो मॉडल्स की तरफ जाने की रीज़न ये होती है कि वहाँ पे आपको प्रीमियम फीचर मिलते हैं, नॉन प्रो मॉडल्स में आपको प्रीमियम फीचर नहीं मिलते और प्राइस भी कम होती है। लेकिन मैं आपसे जो पहले पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं आपको पहले समझा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों प्रो मॉडल्स की तरफ जाना चाहिए और किस तरह से आपको प्रो मॉडल्स सस्ते में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नॉन प्रो मॉडल्स होते हैं, जैसे आप अगर आप 12 सीरीज़ की बात कर लें, 13, 14 और 15 सीरीज़ की बात करें, तो वहाँ पे आपको दो कैमराज मिलते हैं, जबकि जो प्रो मॉडल्स होते हैं वहाँ पे आपको तीन मेन कैमराज मिलते हैं, और वो जो तीसरा कैमरा होता है जो कि आपको मिलता है वो होता है टेलीफोटो कैमरा। क्योंकि जो मेन कैमरा और उसके साथ एक दूसरा कैमरा होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, ये सारे मॉडल्स में होते हैं। तो फर्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे 12 सीरीज़ की बात करूँ या 13 सीरीज़ की बात करूँ, तो सिंपल जो मॉडल है यानी 13 या 12 के जो सिंपल मॉडल हैं वहाँ पे आपको एक मेन कैमरा और उसके साथ एक जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रो मॉडल्स होते हैं वहाँ पे आपको एक टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलता है। जबकि अगर इससे पहले चले जाएं, यानी कि अगर आप 11 से पहले जाएं, तो XS Max में या XS या iPhone 10 में आपके पास एक मेन कैमरा और एक टेलीफोटो कैमरा होता था, तो उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं होता। अब यहाँ पे पॉइंट ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेलीफोटो कैमरे में जो आपका पोर्ट्रेट का अच्छा रिजल्ट आता है या पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी वाली आती हैं, वो सबसे बड़ी उसकी जो रीज़न होती है वो टेलीफोटो कैमरा होता है। यानी जब आप पोर्ट्रेट फोटोज़ लेते हैं और पोर्ट्रेट फोटो लेते हुए आप 1x से 2 में जाते हैं या 3 में जाते हैं या जो भी आपके फ़ोन की कंपैटिबिलिटी है 2.5x तक जाते हैं, तो वो टेलीफोटो कैमरे की वजह से ही होता है। आप जब पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर को स्वाइप अप करके नीचे जो पिक्चर की डिटेल होती है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पिक्चर है ये किस कैमरे ने ली है, ये मेन कैमरे की तरफ से है, टेलीफोटो की तरफ से है या अल्ट्रा वाइड की तरफ से। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप XR ले लेते हैं, आईफोन 11 लेते हैं या आईफोन 12, 13, 14 और ये जो सिंपल मॉडल लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जो पोर्ट्रेट का वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आपको प्रो मॉडल्स में मिलता है, जहाँ पे आपके पास एक वैरायटी होती है कि आप डिफरेंट जूम लेंथ में आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। क्योंकि पोर्ट्रेट फोटो में जितना आप जूम बढ़ाते हैं उतना ही आपका जो इमेज है वो ज़्यादा नेचुरल लगता है और पीछे की जो डिटेल होती है वो ज़्यादा कैप्चर होती है। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपना फ़ोन डिसाइड करना है तो फोकस करें कि आप जो भी फ़ोन डिसाइड करने जा रहे हैं उसमें टेलीफोटो कैमरा ज़रूर होना चाहिए। और टेलीफोटो कैमरा मैंने आपको बताया जैसे कि हमेशा प्रो मॉडल्स के अंदर ही होता है, 12 सीरीज़ के बाद की मैं बात करूं। तो अब आपको प्रो मॉडल चाहिए लेकिन चीपर चाहिए, तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपका 13 लेने का बजट है, अब 13 में आप 13 प्रो तो नहीं ले सकते, आपका बजट ही 13 लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी बजाय एक मॉडल पीछे आ जाएं और आप 12 प्रो की सीरीज ले लें। इसी तरह फर्ज करें आप सिंपल 15 ले रहे हैं या सिंपल 14 ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल 14 के ऊपर जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उससे बेटर है कि आप 13 प्रो मैक्स या 13 प्रो वाला जो है वो फ़ोन ले लें। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा कैमरा टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको एक मॉडल पीछे जाके आपको बहुत ज़्यादा जो उसके प्रो कैमरा के जो फीचर हैं वो मिल जाएंगे। एंड बिलीव मी, आप शायद अभी इस वक्त इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहे, जब आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास नॉन प्रो मॉडल है और आपके फ्रेंड के पास प्रो मॉडल है, तो आप दोनों कैमरा के जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं वो जाके
कंपैरिजन करें, आप उसको देखें, तो उसके बाद आपको मेरी जो बात है उसकी डेप्थ का अंदाज़ा हो जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे जाते मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप आईफोन 10, आईफोन एक्सेस या एक्सेस मैक्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये वाली सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ता। 11 से ऑनवर्ड आपको ये वाली सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, यानी अगर आप 11 प्रो आप सिंपल 11 लेते हैं तो वहाँ पे भी आपकी पास यही ऑप्शन है कि आप सिंपल 11 से बेहतर है कि आप आईफोन XS या XS मैक्स ले लें। इसी तरह अगर आपके पास 12 प्रो मैक्स की ऑप्शन नहीं, आप सिंपल 12 लेते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 12 से बेहतर है कि आप 11 प्रो मैक्स या 11 प्रो ले लें, यानी आप एक मॉडल पीछे जाके उसका वाला जो कैमरा है वो यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग आईफोन और आईफोन की यूजिबिलिटी के हिसाब से, तब भी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूं। इंशाल्लाह मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।